नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरला क्लासेस पर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वेंटिलेशन क्या है और वेंटिलेटर का कहां कहां पर यूज किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि वेंटिलेटर की क्रियाविधि या कार्यविधि क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, क्योंकि अगर वेंटिलेटर के बारे में जान लिया है तो उसकी कार्यविधि के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, वेंटिलेटर का जो सब्जेक्ट है या फिर एक टॉपिक है कहा जाए, तो मैं आज उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वेंटिलेटर कैसे कार्य करता है या इसका काम कैसे होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें सरला क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेडिकल और नर्सिंग से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि वेंटिलेटर का कार्य विधि क्या है और इसमें कौन कौन से आवश्यक जो चीजें हैं या कौन कौन से आवश्यक प्रोसेसर्स है जो इसमें होते हैं, उसको हमको ध्यान में रखकर चलना है और उनमें कुछ सेटिंग्स करनी है या ठीक ठीक सेटिंग्स करनी है, जिसके थ्रू हम पेशेंट को आवश्यक मात्रा में, जितनी पेशेंट का पैरामीटर्स है उसकी आवश्यक मात्रा में हम उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सके। वेंटिलेशन मतलब एयर या फिर प्रोसेस्ड एयर हम उसको प्रोवाइड कर सके। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि वेंटिलेटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो आवश्यक है वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट आता है पॉजिटिव कंप्रेसर वेंटिलेटर्स, इसमें ये बना होता है आपका कंप्रेसिबल एयर से, रिजर्वायर से या टर्बाइन होता है इसमें, और एयर या फिर O2 सप्लाई इसमें होता है, क्योंकि दो O2 सप्लाई भी से हम कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एयर, और लेकिन वेंटिलेटर के थ्रू ही प्रोवाइड करेंगे और एयर को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें होता है आपका डिस्पोजेबल और रीयूजेबल पेशेंट सर्किट। पेशेंट सर्किट व्हाइट कलर का पार्ट होता है जिसके थ्रू वेंटिलेटर को कनेक्ट करके और साथ ही पेशेंट का जो ईटी ट्यूब लगा होता है, इंडोट्रैकियल ट्यूब, उससे हम कनेक्ट करते हैं ताकि जो एयर है वेंटिलेटर के थ्रू पेशेंट के माउथ में जा सके या ईटी ट्यूब के थ्रू उसके लंग्स में जा सके। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि पेशेंट को अगर हमको वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए एक रूम को बार बार क्या करना पड़ता है, हवा से भरना होता है या फिर बार बार हवा डिलीवर करनी होती है, बाहर निकालनी होती है और फिर अंदर लेनी होती है, जैसे कि श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में होता है, वही प्रक्रिया वेंटिलेशन में या वेंटिलेटर में भी यूज की जाती है। सेकंड में बात करना चाहूंगी रिजर्वायर या टर्बाइन के बारे में। टर्बाइन एक ऐसा उपकरण है जो कि हवा को धक्का देता है, जिसमें कि एक फ्लो वाल्व प्रेशर को एडजस्ट करता है ताकि वह पेशेंट के स्पेसिफिक जो पैरामीटर है उसको एडजस्ट कर सके। टर्बाइन क्या कर रहा है, हवा को धक्का दे रहा है ताकि जितनी भी आवश्यकता है पेशेंट को एयर की या O2 की मात्रा, उसको पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। जब अधिक दबाव छोड़ा जाता है तो पेशेंट लंग्स की इलास्टिसिटी के कारण पैसिवली एक्सहेल्ड करता है। एक्सहेल एयर को नॉर्मली पेशेंट सर्किट के अंदर वन वे वॉल्व के थ्रू डाला जाता है, जिसे हम पेशेंट मैनिफोल्ड भी कहते हैं। वेंटिलेटर जो होते हैं वो मॉनिटरिंग अलार्म से इक्विप्ड होते हैं ताकि पेशेंट रिलेटेड जो पैरामीटर्स है उनको ध्यान में रखा जा सके, क्योंकि हम अलार्म लगा के रखते हैं कि पेशेंट के में अगर कोई भी एयर या O2 की समस्या आ रही है या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में हम अलार्म को सुनकर रैपिड रिएक्शन या बहुत जल्दी से रिएक्शन हम दे सके इमरजेंसी कंडीशंस में, या फिर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूंगी प्रेशर वॉल्यूम है या फिर फ्लो है या वेंटिलेटर फंक्शन में जैसे कि प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी, बैटरी अगर बैकअप बैटरीज नहीं है उस समय भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, या O2 टैंक्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस समय भी प्रॉब्लम आ सकती है, या रिमोट कंट्रोल आपने कुछ करके रखा हुआ है या फिर नहीं भी करके रखा हुआ है, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी समस्या आ सकती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको बैटरी बैकअप पहले से तैयार करके रखना है, O2 सिलेंडर्स भी तैयार करके रखने हैं ताकि अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई सर्किट प्रॉब्लम हो जाती है उस समय आप
O2 सप्लाई को बहुत अच्छे से कर सके, क्योंकि उस समय पेशेंट जो है खुद अपने से सांस नहीं ले पा रहा है या एयर इन और आउट नहीं कर पा रहा है, तो ये समस्या उसके साथ हमेशा बनी रहेगी। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान में रखना है। अगर ये सब चीजें भी उपलब्ध आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आजकल एक कंप्यूटर नियंत्रित जो टर्बो पंप है उनके द्वारा इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाता है, ताकि अगर आप ध्यान भी देते रहें लेकिन आप एक सेट मात्रा में इसको रख दे, ताकि आपको अगर आप कहीं बिजी हैं, किसी काम में बिजी हैं या फिर पेशेंट के काम में ही बिजी हैं, तो वो आपको एक अलार्म प्रोवाइड कर दे कि पेशेंट के में समस्या हो रही है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। हमेशा आपने वेंटिलेटर की आवाज सुनी होगी कि वो साउंड करते रहता है पीप 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 करके, तो वो आवाज वो दिखाती है कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन जा रहा है, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन आ रहा है। अगर वो जो आवाज है वो थोड़ी बदल जाएगी तो पता चल जाएगा कि पेशेंट का जो कंडीशन है वो भी चेंज हो रहा है। आजकल के जो मॉडर्न वेंटिलेटर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक छोटे एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ताकि किसी भी पेशेंट को प्रेशर और फ्लो की जरूरत और विशेषताओं के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट या फिर अनुकूल जितना भी ऑक्सीजन है या फिर एयर की मात्रा है उसको दे सके, या फिर उसके पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को प्रोवाइड कर सके। अच्छे से किया गया सेटिंग्स होते हैं, कुछ मोड होते हैं या फिर आपके वेंटिलेटर्स के मोड होते हैं, उनको अच्छे से अगर सेटिंग किया गया है पेशेंट के अकॉर्डिंग जितनी मात्रा में पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता है इन या आउट करने के लिए, अगर हमने सेटिंग अच्छे से किया है तो वो पेशेंट के अनुकूल होगा। नहीं तो क्या हो सकता है, पेशेंट के अनुकूल नहीं होने पर पेशेंट की बाद में डेथ भी हो सकती है। तो जो वेंटिलेटर है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर उसके मोड्स को आपको चेंज करना है। मोड्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी ये था आपका वेंटिलेटर का कार्य विधि, तो जो या फिर फंक्शंस जिसके थ्रू हम वेंटिलेटर प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को और उसके एयर की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में एयर इन और आउट होना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों जो वेंटिलेटर का फंक्शन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।